हाय गाइस, वेलकम टू CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में हम प्रिंटर किस तरह हम इंस्टॉलेशन करते हैं। जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो आपको नज़र दो बातें पर जाते हैं। पहला क्या है, आपको प्रिंटर क्या, कौन सा प्रिंटर लगा देंगे, और प्रिंटर में उसके बाद हम किस तरह हम प्रिंटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है, तो जब भी हम प्रिंटर कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, तो प्रिंटर सॉफ्टवेयर अर्थात प्रिंटर फाइल्स भी हमें आपको इंस्टॉलेशन करना होता है। जिस कंपनी का आप प्रिंटर इंस्टॉलेशन करते हैं, उसी कंपनी का आपको प्रिंटर सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉलेशन होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉलेशन करने के बाद हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम में इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम में आपको जो प्रिंटर फाइल्स प्रिंटर जो आप इंस्टॉलेशन है, तो आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, आज का इस ट्यूटोरियल में हम जानते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में हम प्रिंटर कैसे ऐड करेंगे, तभी हम प्रिंटर नेम चूज करके हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये स्टार्ट बटन है, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो मेनू आएगा, इसे स्टार्ट मेनू कहा जाता है। यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल है। जब भी कंट्रोल पैनल, आपको स्टार्ट में क्लिक करके कंट्रोल पैनल में जाना ही होगा। जब भी आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, तो बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स। यहाँ पे देख रहे हैं आपको, ये जो सेकेंड लाइन है, यहाँ पे थर्ड नंबर में डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स है। जब भी इसमें क्लिक करेंगे, तो हमारा क्या होगा, आपको एक विंडो ओपन होगा, जिसका नाम है आपको डिवाइस एंड प्रिंटर्स विंडो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको नया विंडो ओपन हुआ है, जहाँ पे सिस्टम में जो जो डिवाइस लगा हुआ है, यहाँ पे माउस देखिए, कीबोर्ड देखिए, यहाँ पे प्रिंटर सब इंस्टॉलेशन हो चुका है। एप्लीकेशन में USB और ऑडियो डिवाइस कनेक्ट हुआ है। ठीक है, सारे आपको डिवाइसेज यहाँ पर मौजूद होगा। अब हमें क्या करना है, प्रिंटर को ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपको ये प्रिंटर है, कैनन इंकजेट प्रिंटर है, कैनन इंकजेट है, ब्रदर है। चलिए हम सैमसंग एक प्रिंटर इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है, तो जितने सारे प्रिंटर यहाँ पे दिया गया है, सब प्रिंटर एप्लीकेशन में इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा कंप्यूटर सिस्टम में सैमसंग का प्रिंटर लगा है, तो उस कंप्यूटर सिस्टम में आपके इंस्टॉलेशन हो चुका है। अगर कंप्यूटर में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है, तो हमें CD कैसेट से हमें इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद हमें ये प्रोसेस चलना होगा। हम क्या करेंगे, ऐड अ प्रिंटर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड अ लोकल प्रिंटर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज अ प्रिंटर पोर्ट, यहाँ पे ऑलरेडी LPT प्रिंटर पोर्ट सेलेक्ट है, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। जब भी नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, तो आपको एक न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर्स होगा, जहाँ पे मैन्युफैक्चर यानी कि आप को जो आपको कंपनी का प्रिंटर आप खरीदे हुए हैं, वो प्रिंटर यहाँ से चूज कीजिए। मान लीजिए हम सैमसंग का चूज करते हैं, यहाँ पे सैमसंग का नहीं है, देख रहे हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे सैमसंग का आपको एक ठो भी नहीं दिया गया है। हम क्या करते हैं, सैमसंग को चूज करते हैं। सैमसंग का कौन सी मॉडल, यहाँ से आप मान लीजिए कि सैमसंग LCLP350, ये जो मॉडल है, इसे हम चूज करके क्या करेंगे, हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको विच वर्सन ऑफ द ड्राइवर यू वांट टू यूज, ठीक है, यहाँ पे विंडोज डिटेक्टेड डेट ड्राइवर इज ऑलरेडी इंस्टॉल टू फॉर दिस प्रिंटर, मतलब इसमें क्या कहने जा रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जब भी नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, तो प्रिंटर का नेम है आपको ड्राइवर सहित सैमसंग CLP350 सीरीज PS आपको प्रिंटर का नेम है। फिर नेक्स्ट में क्लिक करना है। अब तब तक आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है जब तक फिनिश बटन ना आ जाए। यहाँ पे देख रहे हैं, यू हैव सक्सेसफुली एडेड सैमसंग CLP350 सीरीज PS। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे, फिनिश में क्लिक करेंगे, तो डिफॉल्ट प्रिंटर कैन नॉट बी सेट, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, सैमसंग आपको CLP350 सीरीज आपको PSP हो चुका है। अब हमें कैसे चेक करना है, इसे मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट में जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ऑल प्रोग्राम वर्डपैड में जाते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन है। जितने सारे एप्लीकेशन है, सब एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट में जाते हैं। जब भी प्रिंट में जाते हैं, तो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे देख रहे हैं सैमसंग CLP350 सीरीज PS है। ठीक है, तो अब जब भी हम प्रिंटर, हमारा तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ चुका है, फाइल्स क्लिक करेंगे, और जब भी प्रिंट करेंगे, तो अगर प्रिंटर कनेक्शन है, तो हमारा डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट है, वो क्या होगा, प्रिंट
हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए फिर यहाँ से कंट्रोल पैनल में सैमसंग सीएलपी अगर हमें रिमूव करना हो, मान लीजिए कि दूसरा कंपनी का कोई है, ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, जब भी कर्सर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमूव डिवाइस आएगा, क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस डिवाइस, यस कर दीजिए, आपको रिमूव हो चुका है सैमसंग का, ठीक है। अगर फिर ऐड करना चाहते हैं दूसरा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर लोकल प्रिंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम सैमसंग को यहाँ पे सैमसंग या सीरीज दूसरा कोई ले लें, ठीक है, यहाँ पे सैमसंग का सैमसंग दिस, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, इंस्टॉलिंग हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, इंस्टॉलिंग हो रहा है। अब हम जब भी हम फिनिश में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओके कर दीजिए, आपको सैमसंग 2850 सीरीज इंस्टॉलेशन हो चुका है, ठीक है। अगर हम फिर यहाँ पे देखते हैं कि मैं वर्डपैड ओपन करके देखते हैं, वर्डपैड में देखते हैं, देखिए फाइल में जा करके, प्रिंट में जा करके, ठीक है, जब भी हम प्रिंट करेंगे तो सैमसंग दीजिए 2850, ठीक है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये प्रिंटर इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आपको प्रिंटर फाइल्स को हम एप्लीकेशन में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म होता है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।